everyone, welcome to my channel. It's me Priyanka. In today's video I am going to share with you guys top 12 teenager school plus college going girls lifestyle and beauty hacks ताकि आप प्रेजेंट कर पाओ अपने आप को किसी भी प्लेस में. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. सो फर्स्ट वन इज सनस्क्रीन. तो मैं जब स्कूल में थी तभी मुझे पता नहीं था कि सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए. तो आप जब भी घर के बाहर जा उसके ठीक 20-30 मिनट्स पहले ही आप सनस्क्रीन को अप्लाई कर लीजिए. मैं क्या करती हूँ, नहाने के ठीक बाद ही स्किन केयर में ही मैं सनस्क्रीन को लगा लेती हूँ. देन उसके बाद ही मैं खाना या कपड़े जो भी होता है मैं वो काम कर लेती हूँ. उनमें ही 30 मिनट्स या 20 मिनट्स हो जाता है. देन मेरे फेस पर सनस्क्रीन अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाता है जिससे मुझे सनटेन की प्रॉब्लम भी नहीं होती. सेकेंड हैक इज़ मेकअप रूटीन. अगर आप स्कूल गोइंग या फिर तो कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आपको मेकअप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस टाइम पर आपकी स्किन नेचुरली ही ग्लो करती है. स्टिल आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस लुक से तो आपको मेकअप करना ही है. तो आप काम प्रोडक्ट से ही अपना एक प्यारा सा नेचुरल मेकअप कर सकते हो. सो फर्स्ट होता है स्किन केयर. तो स्किन केयर करने के बाद कोई सा भी सीसी क्रीम या फिर तो बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. इससे स्किन में अलग सा एक ग्लो आ जाता है और प्लस मॉइस्चराइज भी करता है ये. सेकेंड इज कॉम्पैक्ट पाउडर जिससे आपको स्वेटिंग भी नहीं होगा. एंड थर्ड हम थोड़ा सा मस्कारा यूज़ कर सकते हैं कम क्वांटिटी में जो पता न चले किसी को भी. एंड फोर्थ स्टेप इज लिपस्टिक. आप कोई भी न्यूड कलर का लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं इससे लिप्स भी नेचुरल लगता है आपका. थर्ड स्मेल गुड. तो हम जब स्कूल या फिर कॉलेज जाते हैं तो हम सुबह से लेकर दोपहर तक रहते हैं जिससे हम सबको स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है जो आपको भी अच्छी नहीं लगती प्लस दूसरों को भी नहीं लगती. सो इसके लिए बेस्ट है कि आप बॉडी स्प्रे में इन्वेस्ट करें बिकॉज हम जब भी परफ्यूम लगाते हैं तो वो पसीने में मिक्स होकर कुछ अलग ही स्मेल होता है. सो रेदर देन कि आप परफ्यूम को स्किप करके बॉडी स्प्रे में इन्वेस्ट कीजिए और बॉडी स्प्रे का स्मेल भी सॉफ्ट है, ज़्यादा ओवर भी हो नहीं लगता. फोर्थ इज कैरिंग इमरजेंसी किट. तो आप कहीं बाहर जाते हो स्कूल कॉलेज या फिर तो घूमने भी जाते हो तो एक इमरजेंसी किट आप ज़रूर कैरी करें. तो हम जब स्कूल में थे तो जब भी पीरियड स्टार्ट हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, क्लास में पूछते थे कि किसी के पास सैनिटरी नैपकिन है क्या. देन लिप बाम भी एक सारी क्लास यूज़ करती थी. तो वो सब मिस्टेक आप लोग मत करिए. फर्स्ट वन इज़ आपको जो कैरी करना है दैट इज़ सैनिटरी पैड्स. यू नेवर नो कि आपको कब पीरियड स्टार्ट हो जाए. सेकेंड इज़ बैंडेज. आप कहीं पर भी ज़रूर इसे कैरी कर. एंड लास्ट वन इज़ लिपस्टिक या फिर तो लिप बाम. फिफ्थ इज स्टार्ट वेयरिंग ब्रा. क्या होता था, हम जब 6-7 तक थे तो गंजी वाली या फिर समीज पहनते थे. बट आप 8-10 में आते हो तो आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो उस टाइम पर आपको ब्रा पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज बहुत लोगों की निप्पल्स भी बाहर शो हो जाते हैं तो वो बहुत बुरा दिखता है. तो रेदर क्या करें, आप ब्रा पहने. ब्रा पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप पैडेड ब्रा में इन्वेस्ट करें, आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहनना है. अगर आप अभी से पैडेड ब्रा पहनेंगे तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम भी हो सकता है बिकॉज आप स्पोर्ट्स ब्रा पहनते हो तो वो सब ड्रेस के साथ मैच भी कर जाता है. सूट हो या फिर ड्रेस जो भी हो प्लस कंफर्टेबल भी रहता है. नंबर 60 इज़ कवर योर सेल्फ. तो हमारी कॉलेज या फिर स्कूल की छुट्टी 2-3 बजे के आसपास तो हो ही जाते हैं जिस टाइम पर धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो स्कूल से घर आते आते ही आपका फेस और बॉडी इवन हेयर भी डैमेज हो सकते हैं. तो इन सब से बचने के लिए आप कॉटन का दुपट्टा लीजिए एंड इस दुपट्टे को आप फेस और हेयर्स को प्रॉपरली कवर कीजिए बिकॉज कॉटन का क्लॉथ ब्रीदेबल होता है, आप अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे. एंड मेक श्योर कि वो लाइट शेड का हो, वो डार्क शेड का नहीं हो, नहीं तो धूप अट्रैक्ट कर लेगा.
सो गाइस नंबर 7 इज डबल क्लेंजिंग। तो आप जब भी स्कूल या फिर तो कॉलेज से आते हो तो मेक श्योर कि आप डबल क्लेंजिंग जरूर करें। तो आप कोकोनट ऑयल या फिर मार्सला की हेल्प से भी आप अपने फेस को क्लीन करें। फर्स्ट तो आप नोटिस करेंगे अगर आप मेकअप भी नहीं करते हो तब भी बहुत सारा दर्द उस कॉटन पैड पर आ जाएगा। देन आप फेस वॉश कर ले ताकि फेस का जो दर्द है वो सभी अच्छे से क्लीन हो सके। सो गाइस नंबर 8 इज ऑर्गेनाइज योर क्लॉथ्स। तो बहुत सारे लोग कॉलेज या फिर स्कूल से आते ही ड्रेस को वैसे ही कवर्ड में फोल्ड करके रख देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है बिकॉज आप सभी बाहर से आते हैं तो वो बहुत सारे डर्ट और स्वेटिंग आपके ड्रेस पर पहले से ही होता है एंड थोड़ा सा बॉडी का स्मेल भी तो रहता है। तो उन सब से बचने के लिए आप जब भी बाहर से आए एक तो वो एक बार तो आप झड़ ले अच्छे से, उसे सुखाए फैन के नीचे 15 मिनट्स ड्राई भी होने दे ताकि जितना भी डर्ट और स्वेटिंग है वो स्मेल निकल जाए। नंबर 9 इज शूज बैड स्मेल। तो हम दिन भर इतने टाइम तक शूज या फिर कॉलेज में स्नीकर्स पहन के रखते हैं जिसके वजह से बैड स्मेल आती है। तो आप डेली वॉश तो नहीं कर सकते उसको, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम जब भी बाहर से आए 15 या 20 मिनट्स तक धूप में दीजिए शूज को, तो धूप से बैड स्मेल जो है वो निकल जाता है। प्लस तब भी स्मेल नहीं जा रहा है तो आप सिंपली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टेलकम पाउडर, जिससे स्मेल नहीं होगा। तो आप 1 वीक तक एक शूज को ही बार बार पहन सकते हैं। तो नंबर 10 इज रिमूविंग सन टैन। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सैंडलवुड पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर तो मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जितनी भी सन टैन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा डे बाई डे। नंबर 11 हैक इज फ्रिज फ्री हेयर। तो कॉलेज का या फिर तो स्कूल का टाइम फिक्स होता है हमारा, तो इसके वजह से जो हेयर वॉश है वो मिस हो जाता है। तो इसके लिए आप ये क्या कर सकते हैं, टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हैं एंड इससे अपने बालों पर मसाज कर देना है। इससे क्या होगा, बालों में जो ऑयलीनेस है वो कम हो जाएगा और स्कैल्प ऑयली बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड है इस एलोवेरा जेल। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, इससे एंड्स पे लगाना है, देन आपका जो बाल है वो बिल्कुल भी फ्रिज नहीं होगा। सो गाइस नंबर 12 एंड लास्ट हैक इज बैड माउथ ओडोर। तो बहुत लोग ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं फिर भी ना उनके वो कुछ खाते ही ना उनके माउथ से बहुत टाइम तक स्मेल आते रहते हैं। तो आप उन सब से बचने के लिए एक बार तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप इलायची खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, ये नॉट ओनली माउथ के बैड स्मेल को दूर करेगा प्लस आपका जो बॉडी है उसे भी अच्छा रखेगा और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड दैट इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो। सो होपफुली गाइस आपको मेरी ये सारी हैक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भूलिएगा मत गाइस। टेक केयर, बाय बाय एंड हिट द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशन। बाय बाय गाइस।